हेलो गाइस, कैसे हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, और आप भी मस्त होंगे और मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम प्यारा सा और स्वीट सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं, जो हमारा प्यारा सा आपको इस प्यारे से वीडियो में आखिरी तक बने रहना और देखते रहना ये प्यारा सा व्लॉग और बने रहना। चलो फिर आज का हम प्यारा सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं, जो उसमें मस्ती हुई चलती होगी, फन होगा और गन नहीं होगा, क्योंकि यह है फन वाला वीडियो। फन तो होता रहता है, और हम तो आप तो ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है और मज़े में मस्त है। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बाल करते हैं हम, पढ़ाई का कमाल। चलो आगे देखते हैं हम क्या क्या होता है। और इस वीडियो को पहली बार जो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर करना अपने रिश्तेदार, फूफा जीजा, नानी, दादा, दादी, जो भी है रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ शेयर कर देना। यह फैमिली वीडियो है, इसमें कुछ बातें नहीं होती है, कुछ बातें होती है, और होने से कुछ नहीं होता, होने से बहुत कुछ होता है। ये हमारा प्यारा सा डायलॉग है। चलो फिर यहाँ से हम छोटा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा और प्यारा सा ब्लॉग है और खूबसूरत भी ब्लॉग है। इसे हम घर में ही बनाते हैं और घर का नेचुरल ब्लॉग है। इसे हम आगे हम इस प्यारे से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। चलो फिर चलते हैं हम यहाँ से, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग यही है कि हम पूरे दिन में मस्ती मजाक सस्ती वगैरह सब कुछ करते हैं, गला भी बैठ रहा ऐसे करते रहते हैं, तो हम कभी यार पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में और कुछ लगता है। आज हम पढ़ाई करने दिखाएंगे आपको मेरा प्यारा सा स्टडी टेबल नहीं, मतलब पलंग टाइप का है, बैठक का पलंग है। यहाँ पर पढ़ता हूँ, या हो गया यहाँ पे। आप भी कॉपी तो बुक तो वहीं रखी है, उसे पढ़ते हैं और क्या क्या मिलता है मेरे को, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको मैं बताता रहूँगा इस प्यारे से ब्लॉग में। चलो पढ़ते हैं हम प्यारे सी किताब, और किताब को पढ़ते हैं हम। अब ये कहाँ रखा जाए, प्यारे से ब्लॉग को देखते रहना और समझते रहना हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। चलो यहाँ से ये हमने बुक उठा ली, अब पढ़ते हैं हाफ पैंट हाफ। तो वह सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी टॉपिक हैं। और ठीक है, कंप्यूटर है, रसायन विज्ञान है, जो सबसे पहले होते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर होते हैं ये 168 से 168 तक। अब ऐसे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर सबसे पहली भाषा की करना, यद्यपि प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्टात्मक कार्यों के लिए किया जाता है, परंतु अब इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा बढ़ गया है। अतः कंप्यूटर एक ऐसी युक्त डिवाइस है जो दिए गए निर्देश समूह और इंस्ट्रक्शन के आधार पर सूचना इंफॉर्मेशन और संसाधन करती है। निर्देश समूह का प्रोग्राम कहते हैं, कहते हैं इस प्रकार कंप्यूटर केवल एक गणक कैलकुलेटर नहीं, बल्कि यह गणित तब और गणित सभी प्रकार की सूचनाओं को सूचित करने वाला उपकरण है। कंप्यूटर का विकास 1672 में ब्लेक पास्कल ने इसका पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। इस पास्कल
1833 जी में अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बर्ज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की, पर 40 वर्ष के अधिक परिश्रम के बावजूद थे बावजूद वे इस से बना न सके। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनकी उनकी शिष्या एंडा लव लेते हैं को जाता है। उन्होंने अपने नामांतर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा एडा। 1803 में हरमन कभी अंग्रेजी का वर्ड बेहद परिकल्पना बेबर्ज की परिकल्पना को साकार किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य संचालित रूप से करती थी। हरमन होलोरिथी द्वारा पंच कार्ड के जाने कंप्यूटर के विकास में महान महित योगदान दिया। यह पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है। 1837 में हॉवर्ड एकिन ने पहले बार यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1945 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एवं जॉन मर्सरी ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व ट्यूब का उपयोग किया गया। कंप्यूटर के विकास योगदान जॉन वॉन न्यूमैन ने 1951 में कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा दी। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें उन्होंने संचालित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य के लिए द्विआधुनिक पद्धति बाइनरी सिस्टम के प्रयोग का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कंप्यूटर तकनीकी पीढ़ी कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ है जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीकी को 5 पीढ़ी में विभाजित किया जाता है। इन 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर में अंतर उनके स्विचन अवयव के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। जो हो गए हैं ये हमारे आंसू आते रहते हैं जब पढ़ेगा। जो कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर को उनके कंप्यूटर को उसके कार्य कार्य पद्धति के आधार पर विकृत किया जाता है। आकार पर आधारित विविध आकार के आधार पर कंप्यूटर अच्छा प्रकार होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर के वास्तव विस्तृत एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर
जिसमें कारण कारण समझौता जाता है इसी के नाम से पुकारा जाता है। यह एक छोटी मेज मेज पर आ सकता है। ऑफिस घर वह व्यवसाय में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज क्षमता आंकड़ों की बड़ी मात्रा रख रखाव करने में अपने सामर्थ्य के कारण आज इसका व्यापक पैमाना पर उपयोग हो रहा है। मिनी कंप्यूटर दूसरा मिनी कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर आकार तथा कार्यक्षमता की दृष्टि से छोटे होते हैं। प्रकार में कंप्यूटर एक बड़ी मेज पर आ सकता है तथा इन पर 7-20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। 50 गुण अधिक क्षमता वाला होता है। पढ़ता है जो ना आँखों का जो बात बिना की कोशिश करते हैं की कोशिश करते सुपर कंप्यूटर जो होता है सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली पावरफुल होता है या तेल जटिल बहुत अधिक चीज है देखो भाई लो मैंने इतना पढ़ा तो माल दिखा नहीं मिल गया दुकान पर नहीं जाना फिर भी पढ़ाई करते हुए सब कुछ परेशानी आ जाती है। सर में खुजली नींद आना आँखों में आंसू नींद आना तो सबसे पहले तो आता है तो मैं देख लिया होगा सबसे पहले आता है नींद नींद नहीं आती सबसे पहले उबासी आती है फिर आते हैं आंसू फिर आती है नींद। ठीक है आपको ये प्यारा सा और छोटा सा और क्यूट सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों रिलेटिव्स के वहाँ शेयर करना। आप ये कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि आपको भी ऐसे ही होता है नींद आना आंसू आना और उबासी आना।
ऐसी होता है क्या उबासी ये फल। और मैं तो यही गोली लेता हूँ भैया, ये खाता हूँ सुबह ही उठता हूँ फिर मस्त तरीके से। चलो फिर, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। आपका प्यार सब्सक्राइब लाइक और शेयर पे बनना करो, और देखने के लिए धन्यवाद आपका इस वीडियो को। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीटी।